नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जायका फॉर यू टिप्स एंड ट्रिक्स में। झड़ते बालों को रोकने के लिए दादी माँ के घरेलू नुस्खे जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकती हैं। महिलाएं इन्हें समय निकालकर जरूर सुने। नंबर एक, नारियल का तेल। बालों की जड़ों में नारियल का तेल लगाने से न केवल बालों को पोषण मिलता है बल्कि बालों की मजबूती भी बढ़ती है। नंबर दो, अंडे का मास्क। अंडे के पीले भाग को बालों में लगाने से प्रोटीन मिलता है जो बालों को मजबूती देता है। नंबर तीन, आंवला। आंवले का रस या आंवला पाउडर बालों में लगाने से बालों की गुणवत्ता सुधरती है और बालों का झड़ना कम होता है। नंबर चार, मेहंदी। मेहंदी बालों को प्राकृतिक रंग देने के साथ साथ बालों की मजबूती और स्वास्थ्यता भी बढ़ती है। नंबर पाँच, एलोवेरा। एलोवेरा जेल बालों में लगाने से स्कैल्प को ठंडक मिलती है और बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। नंबर छह, गर्म तेल की मालिश। सरसों के तेल, जैतून के तेल या बादाम के तेल की मालिश से रक्त संचार बढ़ता है और बाल मजबूत होते हैं। नंबर सात, प्याज का रस। प्याज के रस से स्कैल्प की मालिश करने से बालों की ग्रोथ में मदद मिलती है और बालों का झड़ना कम हो जाता है। नंबर आठ, शहद। शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो स्कैल्प को साफ करने में मदद करते हैं और बालों को चमकदार बनाते हैं। नंबर नौ, टिंटोरेस क्लींजिंग। बालों की सफाई के लिए बेकिंग सोडा या सेब का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे स्कैल्प पर जमा गंदगी हटती है। नंबर दस, गेंदे के फूल। गेंदे के फूल का तेल स्कैल्प को पोषण देता है और बालों का झड़ना कम करता है। नंबर 11, पालक और मेथी का मास्क। पालक और मेथी का पेस्ट बालों में लगाने से विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो बालों को मजबूत बनाते हैं। नंबर 12, मुल्तानी मिट्टी। बालों में मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट लगाने से बालों में ताजगी आती है और बालों का झड़ना कम हो जाता है। नंबर 13, योग और ध्यान। तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करें क्योंकि तनाव भी बालों के झड़ने का एक कारण हो सकता है। नंबर 14, तुलसी का रस। तुलसी का रस बालों में लगाने से स्कैल्प की समस्याएं दूर होती हैं और बालों का झड़ना कम होता है। नंबर 15, गाजर का जूस। गाजर का जूस पीने से विटामिन ए मिलता है जो बालों की वृद्धि के लिए फायदेमंद है। नंबर 16, आलू का रस। आलू के रस से स्कैल्प की मालिश करने से बालों को ग्रोथ में मदद मिलती है। नंबर 17, कपूर। कपूर को नारियल तेल के साथ मिलाकर बालों में लगाने से बालों की मजबूती और चमक बढ़ती है। नंबर 18, संतरे का रस। संतरे का रस स्कैल्प को पोषण देता है और बालों का झड़ना कम करता है। नंबर 19, पत्ता गोभी का रस। पत्ता गोभी का रस बालों में लगाने से भी बालों की ग्रोथ में सुधार होता है। नंबर 20, साबुत गेहूं का पेस्ट। साबुत गेहूं का पेस्ट बालों में लगाने से बालों को पोषण मिलता है और बालों का झड़ना कम होता है। नंबर 21, दही। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो स्कैल्प के लिए फायदेमंद होते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं। नंबर 22, करी पत्ते। करी पत्तों का पेस्ट बालों में लगाने से बालों की गुणवत्ता सुधरती है। नंबर 23, चाय की पत्तियां। चाय की पत्तियों का इस्तेमाल बालों को धोने के लिए करें, इससे बालों को ताकत मिलती है
और बालों का झड़ना कम हो जाता है। नंबर 24, अलसी के बीज। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो बालों को स्वस्थ बनाता है। नंबर 25, संतुलित आहार। संतुलित आहार लें जिसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में हों, जिससे बालों का झड़ना कम हो सकता है। इन नुस्खों का पालन करके आप बालों के झड़ने को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि अगर समस्या गंभीर हो तो डॉक्टर से सलाह लेना अच्छा रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।